जय हिंद दोस्तों। एक ऐसे स्टॉक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 39% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। सर्किट लिमिट जो है 20% की है। स्टॉक का नाम है EKC यानी कि एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे, फंडामेंटल्स को भी समझेंगे कैसे है, चार्ट पैटर्न्स पर भी देखेंगे कंपनी जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपनी का कारोबार क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। EKC इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर। हाई प्रेशर वाले जो सीमलेस गैस सिलेंडर होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है। अलॉन्ग विद अदर सिलेंडर्स दूसरे भी किसी तरह के सिलेंडर बनाते हैं और इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर कंटेनिंग एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लिक्विड और एयर को जो कंटेन करने के लिए जिस तरह का स्टोरेज बनाना होता है वो कंपनी का कारोबार है। अब एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर EKC ये कंपनी का जो है ये कोड है, ये इसको अगर आपको देखना होगा तो अपने सॉफ्टवेयर में या मोबाइल ऐप जो भी आप ब्रोकर का यूज करते हैं उसमें। अब शुरू करते हैं, मार्केट कैप देखो 2000 या 2100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। स्टॉक की पी सिर्फ 8, 52 वीक लो 87, 52 वीक हाई 292। जैसे मैंने कहा ऑल टाइम हाई से 39% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब असली खेल पे आते हैं, कंपनी किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक प्राइस में सीधी सी बात है वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंड रिफ्लेक्ट करेगा कैसे पता चलेगा, जब हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे। पिछले 3-4 क्वार्टर के नंबर देख लिए मोर देन इनफ है। जून 2021 से लेकर मार्च 2022 से 4 क्वार्टर देख लेंगे मोर देन इनफ। सारे नंबर करोड्स में हम क्या क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट और EPS, ये चार चीज हमें देखनी है। चलिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून में कितना था देखो, 89 करोड़। सितंबर में बढ़ता है 112 करोड़। फिर दिसंबर में गिरावट 97 करोड़ एंड मार्च में हल्की गिरावट 94 करोड़। तो समझ में आ रहा है नंबर्स में हल्की सी गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 97 था, फिर 103 हुआ, 87 हुआ गिरावट, फिर और गिरावट 84। सो गिरावट का ट्रेंड चल रहा है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 69, बढ़त 71, गिरावट 60, फिर हल्की बढ़त 65। फिर लास्ट EPS 6 की EPS, फिर 6.32, 5.36, फिर 5.78। तो समझ में ये क्या आ रहा है कि सितंबर में एक उछाल लगाई थी बट दिसंबर वाले में एंड फिर मार्च में हल्की गिरावट देखने मिल रही है। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा वो है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमको क्या क्या देखना है, कंपनी का रिजर्व्स कितना है, कर्ज कितना है और कंपनी का एसेट्स कितने हैं। तो सबसे पहले कर्ज अगर देखेंगे ना, तो कर्ज के उसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा वो है ये मार्च 2015। ये देखिए जो डाटा यहाँ पे लिखा है 590 करोड़, इट वॉज द हाइएस्ट डेप्थ कंपनी के ऊपर उस साल में, मतलब उस साल की अगर बात करें तो। फिर तब से कंपनी लगातार कर्ज जो है अपना कम कर रही है। देखिए 590 था, 578 हुआ, 44 हुआ, 377, 337, 294, 203, अभी बच के सिर्फ 127 करोड़ का कर्ज रह गया है। तो पिछले 6-7 साल से कंपनी लगातार कर्ज कम कर रही है, बढ़िया कंपनी है। फिर कंपनी के पास रिजर्व्स कितने, कैश रिजर्व्स देखो 880 करोड़ के हैं। वैल्यूएशन देखे तो अपने 2011 से अब तक के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। यहाँ पर देखिए 2011 में था 700 के आसपास, फिर से भी 880 के आसपास पहुंच गया है। नेक्स्ट एसेट्स कंपनी का कितने हैं, कंपनी का से 1290। तो एसेट्स में भी देखो क्या वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, जी हाँ ऑल टाइम हाई तो नहीं कहूंगा अभी बट इससे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे है 1297, फिर 1400 करोड़। सो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 67.39, FII 0.79, DII 0.33 एंड पब्लिक 31.49। अब जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे समझ में आई मुझे वो है ये, देखिए जून 2021 में होल्डिंग कितनी थी FIIs की, विदेशी संस्थाओं की, 0.07, अभी बढ़ के 0.16, 0.56, 0.37 कम हुई, फिर यहाँ पे देखिए 0.79, यानी कि सितंबर 2019 से भी अगर हम देखें तो अब तक की हाईएस्ट होल्डिंग, अब तक की सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखने मिल रही है, समझ में आ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीज है जिसको ध्यान में रखना है। अब ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स को समझे तो क्या समझ में आता है, 2000 या 2100 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है, फिर सिर्फ 8 के PE पर स्टॉक मिल रहा है, क्वार्टरली नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखे तो हल्की गिरावट देखने मिली है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, एंड कर्ज कंपनी के ऊपर जो है 2015 से लगातार कंपनी कर्ज कम कर रही है, तभी 580 करोड़ के आसपास का था, अभी सिर्फ 125 करोड़ के आसपास है। एसेट्स 1300 करोड़ के आसपास है, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे हैं, रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स कुछ 800 करोड़ के आसपास के थे, यस 880 करोड़, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, FIIs की अब तक की सितंबर 2019 से अब तक की हाईएस्ट शेयर होल्डिंग देखने मिल रही है, दैट इज 0.79, इसको ध्यान में रखना है। एंड प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी होल्डिंग 67.39% होल्डिंग। अभी चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे एंड जैसे मैंने कहा ऑल टाइम हाई से 39% डिस्काउंट पर मिल रहा है, 20% की सर्किट लिमिट भी है। अब स्टॉक में क्या हो रहा है एक ही चीज ड्रॉ करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए स्टॉक जो है क्या कर रहा था,
जो हम पैटर्न बनाई है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल का उल्टा होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए ये बेसिक ट्रेंड लाइन, इसको फॉलो करते करते स्टॉक जो है देखो नीचे आ रहा था, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर, देखो इस ये 2 3 4 5, अब फाइनली 3 4 सेशंस हो गए, स्टॉक जो है इसमें से निकल गया है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टॉक में क्या देखने मिल रहा है, स्टॉक अभी 183 के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक के लिए जो रुकावट है मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए वो मैंने ड्रॉ कर दी। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा है लंबे समय से, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर ओवर लॉन्ग टाइम एक ही रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, उसी में काम कर रहा है। तो जो रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है अभी स्टॉक के लिए वो मैं बता दूं, एंड जब तक उसके ऊपर स्टॉक बंद नहीं होगा अच्छी तेजी देखने नहीं मिलने वाली है। एंड द लेवल इज 193.35, स्टॉक वहां से अभी 10 रुपये ही दूर है सिर्फ, यस 10 रुपये ही दूर है ये देखिए। एंड द हाईएस्ट क्लोजिंग वॉज ऑन विच डे, 7th जून, 7 जून की बात कर रहा हूँ मैं, 7 जून के बाद कभी भी स्टॉक जो है उस लेवल के आसपास जाके बंद नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के जो पैटर्न थे उसमें से तो स्टॉक देखे आज बड़ी अच्छी तेजी के साथ बाहर निकला है। अब जब इसके ऊपर निकलेगा ना 193.35 के ऊपर बंद होगा तब और अच्छी तेजी देखने मिलेगी। सो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो जो ट्रेडर्स लोग समझ जाओ, 193.35 के आसपास जब स्टॉक आएगा दबाव देखने मिलेगा, रुकावट देखने मिलने वाली है। एंड उन्हीं ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या है वो है ये 165, 165, पिछले कुछ दिनों के सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग का है, या फिर जिसके आसपास स्टॉक जाके घूम के ऊपर आ रहा है वो ये लेवल है 165। तो ट्रेडर्स ध्यान रखना, 165 के नीचे अगर निकल गया तो पोजीशन छोड़ देनी है, नुकसान हो सकता है। अब 193.35 इस लेवल के ऊपर लगातार कुछ दिन आने वाले दिनों में बंद होता है तो स्टॉक आराम से कहाँ जा सकता है, आने वाले महीनों में 205, 215 ये रेंज में स्टॉक आराम से जाके बैठ सकता है, यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। इसको आप दो रेजिस्टेंस मान लो, एक जोन मान लो, या एक रास्ता है, इस रास्ते पर स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। अब जिनको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, फंडामेंटली कितना बढ़िया स्टॉक है हमने देख ही लिया, किस तरह से FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है एंड कर्ज किस तरह से कंपनी कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर लेवल समझ में नहीं आते तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़े थोड़े शेयर भी हर महीने आप खरीद सकते हैं। तो 155, 130 ये एक लेवल है, नीचे की तरफ वहां मिलता है तो बड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज 6 महीने, 1 साल, 2 साल। या लेवल्स नहीं समझ में आ रहे तो SIP भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हर महीने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 शेयर, 5 शेयर, 20 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितना समझ में आता है खरीद लिया। सो फ्रेंड्स ये है एक फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक जैसे हमने स्टडी की। स्टडी आपको पसंद आई है तो प्लीज स्टडी को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड स्टडी आपके सामने पेश करने का मोटिव सिर्फ सिंपल है, सो दैट एकदम बेसिक पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे एक स्टॉक को हम जज कर सकते हैं, दैट इज फंडामेंटल्स को कैसे देखना है, कैसे जांचना है, कैसे समझना है, फिर चार्ट पैटर्न्स पे भी एकदम सिंपल सरल मैनर में चार्ट पैटर्न्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं वो मैं आपके सामने एज अ रेफरेंस पर्पज स्टडी पेश करता हूँ, सो दैट आप वो चीज़ों को आपकी खुद की स्टडी में यूज कर सकें एंड अपने फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट्स खुद से लेना शुरू कर सकें। बिकॉज मेहनत की कमाई आपकी है तो सीधी सी बात है, तो जो उस कार का मतलब वो ड्राइविंग वो क्या कहते हैं उसको, स्टेयरिंग व्हील भी जो है आप ही के हाथ में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे करके देखिए किस तरह से लॉसेस अगर है तो कम हो जाएंगे, पोर्टफोलियो में कैसे प्रॉफिट आता है। सो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं अगर, एंड आप क्या इस स्टॉक को होल्ड करते हो ऑलरेडी, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।